अगर आप भी मेरी ये सावन स्पेशल थाली बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि मैंने इसमें छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं और सिर्फ 35-40 मिनट्स में ही मेरी ये पूरी थाली बनकर तैयार हो जाएगी। जो फलाहार करते हैं वो खीर का सेवन कर सकते हैं, बाकी सब भोजन के लिए इसको बनाएं। वेलकम टू मसाला चम्मच, मैं आपके अपनी गीताजली मसाला चम्मच में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले बहुत ही स्पेशल और रिक्वेस्टेड हमारी सावन की थाली। जो लोग फलाहार भोजन करते हैं उसके लिए भी मैंने इसमें एक रेसिपी को दिया है, और बाकी जो लोग भोजन करते हैं इस व्रत में उनके लिए मैंने एक प्रॉपर थाली बनाई है। तो आप इसे एंजॉय करें और मुझे अपने रिव्यूज दें। ओम नमः शिवाय। मैंने अपनी सभी रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आगे आपको फ्रंट पेज पर दे दिए, आप उसको देखकर अपनी थाली की शुरुआत करें। सबसे पहले हम फलाहार थाली बना रहे हैं, जिसमें मैंने आम ले लिया है और ये साबूदाना ले लिया है। इस साबूदाने को मैंने 3-4 घंटे भिगो कर रख दिया था और ये फूल कर एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। और मैंने ये एक आम में से आधा आम लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आम मेरा थोड़ा मीठा होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये शुगर ली है, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा लीटर दूध की हम ये खीर बनाएंगे जो 3-4 लोगों के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैंने जो अपने आम को कट कर लिया था उसको पीस लिया है और देखिए परफेक्टली मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैंने अपने दूध को उबलने के लिए रख दिया है और इसमें हम ये अपना साबूदाना मिला देंगे। हमारा साबूदाना ऑलरेडी भीगा हुआ है तो ये 10-12 मिनट्स में हमारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। और इसको हल्के हाथ से चलाते हुए आप अपनी खीर को बनाएं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी खीर बनने की कंसिस्टेंसी में सारा साबूदाना एकदम ट्रांसपेरेंट होने लगेगा और साबूदाना थोड़ा नीचे चिपक जाता है, इसलिए बीच बीच में आप चलाते रहें। अब मैंने इसमें चीनी मिला दिया है और चीनी मिलाने के बाद भी 1-2 बार आप चला लें। इलायची पाउडर टेस्ट के लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मेरी परफेक्टली खीर में अच्छे से उबाल आ गया है, मेरा साबूदाना भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा मैंगो पल्प, और आप ध्यान रखें आम थोड़ा खट्टा मीठा होता है, इसलिए जब भी आप आम मिलाएं तो कंटिन्यूसली चलाते हुए अपनी खीर को मिलाएं। देखिए 3-4 मिनट ही हुए हैं और परफेक्टली मेरी मैंगो ने भी रंग छोड़ दिया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और मेरी परफेक्टली खीर बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी सब्जी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाने वाले हैं अरबी की सब्जी, जिसके लिए मैंने टमाटर की पेस्ट को तैयार कर लिया और अरबी को उबाल कर ले लिया है। कुछ मसाले लिए हैं जैसे किचन किंग धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी पाउडर। और हमारी जो अरबी होती है वो थोड़ी बाधक होती है, मतलब बाधी करती है, डाइजेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको अजवाइन में बनाते हैं। मैंने अजवाइन, जीरा और हींग तीनों में तड़के के लिए लिया है। आप चाहें तो अरबी को 2 सीटी में उबाल सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है और सरसों का तेल लिया, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। और मीडियम टू लो फ्लेम पर अपने सारे मसालों को डाल के इसको अच्छे से भून लें। और मेरा हींग, जीरा, अजवाइन अच्छे से भून गए। अब मैंने इसमें अपने टमाटर के पेस्ट को मिला दिया है और देखिए कितना अच्छा, अभी से आप देख रहे होंगे कितना परफेक्टली कलर आ रहा है। 2-3 मिनट के लिए अपने सारे टमाटर के पेस्ट को अच्छे से पकने देंगे और इसके बाद हम इसमें अपने सारे मसाले मिला देंगे। सब कुछ मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, जितनी मेरी अरबी है। मैं 3-4 लोगों के लिए ये थाली बना रही हूँ तो मेरे सारे मसालों का अंदाज़ा मेरी मसाला चम्मच से ही है। और टेस्ट के अनुसार ही हम इसमें अब नमक मिला देंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी एकदम पकने की कंसिस्टेंसी में है, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है, साइड में तेल भी छोड़ दिया। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपकी ग्रेवी रेडी है, आप ध्यान रखें कढ़ाई के चारों साइड वो तेल छोड़ने लगेगी, देखिए। और सारे मसालों का कलर भी एकदम अच्छे से आ गया मेरी ग्रेवी पर। अब इसमें हम अपनी अरबी को मिला देंगे जो मैंने काट कर रखी हुई है। अरबी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से इनको मिलाएं, वरना ये बहुत घुली घुली सी हो जाएंगी।
और देखिए परफेक्टली मिल गई हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, तब तक हम अपने रायते को तैयार कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं हमारी थाली में खीरा रायता, जिसके लिए मैंने खीरा को कद्दूकस करके ले लिया है। खीरा बहुत हेल्दी भी होता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। पूरे दिन हम व्रत रखते हैं तो शाम को हम भोजन खाएंगे और तला भुना खाएंगे, तो उसके लिए खीरे का रायता बहुत बेस्ट होता है। और मैंने अपने कर्ड को फेंट के ले लिया था, आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं, घर का भी ले सकते हैं, बस उसमें गुठलियाँ ना हो, इतना स्मूथ कर लें। अब मैंने अपने खीरे को अपनी दही में मिला दिया है अच्छे से, चम्मच से आप आराम से मिला सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसमें मैंने लिया ये पाउडर शुगर, हल्का सा मीठा अच्छा लगता है खीरे का रायता, काला नमक, सफ़ेद नमक और हमारा काली मिर्च, आप चाहें तो रेड चिली का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे खीरा रायता इस तरीके से ही पसंद है, या मेरी फैमिली में भी, तो मैंने इसको बहुत सिंपल वे में सिखाया है। मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिला दिया है और अब इसमें मिला देंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर, जिससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखेंगे तो इसी तरीके का आपको खीरा रायता मिलेगा। अब देखिए मेरी सब्जी को भी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं। देखिए साइड में ऑयल आ गया है, खुशबू तो इसकी अच्छी आ ही रही है और कलर तो आप देख ही रहे हैं, परफेक्टली मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब इसको साइड में रख लेते हैं। इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट इससे कलर भी अच्छा आता है, देखने में भी हमारी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार है, अब हम अपना आटा गूंथने की तरफ चलते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं पालक पूड़ी, और ये मैंने ले लिया है 1/2 kg व्हीट फ्लार, गेहूं का आटा, और ये पालक जिसको मैंने उबाल कर पीस कर ले लिया था। अब मैंने अपने परात में अपने आटे को कर लिया, इसमें नमक मिला देंगे। ध्यान रखें आपको नमक बहुत कम मिलाना है, क्योंकि हमारा पालक भी है हल्का नमकीन होता है और हमारी सब्जी में भी नमक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पूड़ियों को बनाएं, थोड़ा नमक तेज नहीं करें। नमक को मैंने अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें मैंने पालक को मिला दिया। पालक बहुत हेल्दी होता है और पालक की पूड़ी सावन में इसलिए खाई जाती है क्योंकि इस टाइम थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, लोगों को खांसी जुकाम होने लगता है, तो पालक की पूड़ी बहुत हेल्दी भी हो जाती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं, तो उसके लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके ही आप अपने आटे को गूंथें, क्योंकि इसे सेमी टाइट गूंथना है। देखिए इस तरीके का ही आपका होना चाहिए। अब इसको हल्का सा और मल लें, देखो मलते मलते एकदम चिकना हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लेंगे, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे एक तो आटे पर पपड़ी नहीं आती है और हमारी पूड़ी भी बहुत फूली फूली बनकर तैयार होती है। देखिए मेरा परफेक्टली आटा एकदम सेमी टाइट गूंथ कर तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, इसके बाद हम अपनी पूड़ियों को बनाएंगे। अब देखिए 10 मिनट हो गए और मैंने अपने बेलन को भी ग्रीस कर लिया है, एक बार अपने आटे को और स्मूथ कर लेंगे, एकदम अच्छे से हो गया है। और आप हथेली के बीच में लेके छोटे छोटे पूड़ी के अनुसार अपने पेड़ों को बना लें। रोटी के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा बनता है इसका पेड़ा, लेकिन मुझे पूड़ी भी थोड़ी सी बड़ी पसंद है छोटी के कंपैरिजन में, इसलिए मैं इस तरीके के पेड़े बना रही हूँ। मैंने 10 से 12 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत आसानी से बिल जाती है, नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल पूड़ी को बेलते हैं उसी तरीके से, बट पालक की पूड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और मैंने इसके गुण तो आपको बता ही दिए हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे, क्योंकि बेलन हमने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है तो हमारी पूड़ी बिल्कुल चिपकेगी नहीं। अब देखिए मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो तलने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। और मैंने अपनी पूड़ी डाल दी, आप देख रहे हैं इतनी जल्दी एकदम फूली फूली हो गई है ये। आप और क्रंची पूड़ी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी और क्रंची भी कर सकते हैं, परफेक्टली। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आयरन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप अपनी सब्जी को पूड़ी को लोहे की कढ़ाई या पीतल के बर्तन हो उनमें ही बनाया करें, जिससे आपको उसकी गुणवत्ता भी मिलेगी। अब देखिए मेरी सारी चीज़ें तैयार हैं, मैंने अपनी थाली को भी रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी खीर को परसेंगे। अगर आपके पास इस तरीके की थाली नहीं है तो आप नॉर्मल भी कटोरी ले सकते हैं। अब अपना खीरा रायता, ये वैसे भी प्रसाद की थाली बनी है तो उसका टेस्ट तो आप जानते ही हैं, अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा,
लेकिन हमारी चीज़ें भी बहुत अच्छी बनी है, कलर वाइज, टेक्सचर वाइज। तो आप इस तरीके से अपनी थाली को बनाएं। मैंने सलाद रख दिया है और अपनी देखो गर्मा गर्म मैंने पालक की पूड़ी रख दी। आप इन्हें इंजॉय करें। देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धार्मिकों का घंटा जरूर बजाएं। धन्यवाद।